मथुरा के अलीगढ़ के अतरौली में समाचार 24 न्यूज चैनल के नए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ समाचार 24 के प्रधान संपादक व सीओ अतरौली के द्वारा किया गया। अलीगढ़ के अतरौली कस्बे में समाचार 24 न्यूज चैनल को नवनिर्मित ऑफिस का शुभारंभ किया गया। समाचार 24 न्यूज चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य जी के निर्देशन में अतरौली क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी से प्रताप सिंह द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें समाचार 24 न्यूज चैनल सच्चाई के साथ अपने दर्शकों तक जमीन से जुड़ी हर एक खबरों को पहुंचाने के लिए, वहीं गांव कस्बे की हर खबर को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए संभवतः प्रयास कर रहा है। इसको लेकर के जगह जगह हर जिले में 24 न्यूज चैनल के ऑफिस स्थापित किए गए हैं। नव निर्मित ऑफिस अतरौली में बनाया गया, जिसका बुधवार को शुभारंभ किया गया। इस दौरान समाचार 24 न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सहित मथुरा से समाचार 24 के संवाददाता अमित अग्रवाल और ललित उपाध्याय के साथ अतरौली कस्बे की समाचार 24 टीम मौजूद रही। वीरेश यादव, अलीगढ़ समाचार 24। कस्बा अतरौली में खुल रहा है। इसके लिए मैं इसके चेयरमैन संस्थापक डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य जी को तो बाकी यहाँ की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका ये चैनल और अच्छी तरक्की करे और इसका नाम हो भविष्य के लिए मेरी इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वीरेश यादव अतरौली से। जो ये समाचार 24 का जो आज शुभारंभ किया गया, ये कोतवाली के जस्ट सामने है और जो भी गरीब लोग हैं, जो हैं जिनकी आवाज़ जो ऊपर तक नहीं जा पाती, इनकी कोई नहीं सुनता, जिनकी FIR नहीं हो रही या कोर्ट कचहरी में वो चक्कर काट रहे हैं, उनका कोई समाधान नहीं हो रहा, तो मैं ये इसलिए मैंने ये समाचार 24 की ओपनिंग किया, जिससे ये सारी सूचनाएँ मैं ऊपर तक पहुँचा सकूँ और सभी देशवासियों को दिखा सकूँ कि हमारे अतरौली में क्या क्या समस्याएं हैं, गांव में, शहर में क्या क्या समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश के हर छोटे से छोटे गांव कस्बे की खबर उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचे, इसके लिए एक नया प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया है। अब तक आप लोग टीवी पर सिर्फ बड़े शहर और महानगरों की खबरें देखते थे, छोटे कस्बे जो जिला मुख्यालय से बहुत दूर हैं, जैसे अतरौली है आज, वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते थे, मीडिया में वो खबरें प्रमुखता से आ नहीं पाती, लोगों को न्याय मिल नहीं पाता था। इसलिए आज हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हम गांव के गरीब तबके के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की खबर को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठी सरकार तक कैसे पहुँचाएँ, इसके लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ अतरौली में किया गया है, जिसको वीरेश यादव यहाँ बतौर संवाददाता देखेंगे और कल से और आज से वो जनता की खबरें लगातार चैनल पर दिखाएंगे और इससे जनता को छोटी छोटी समस्याएं सरकार तक पहुंच पाएंगे। आज बड़ा खुशी का दिन है कि अतरौली नगर में इस समाचार 24 HD का कार्यालय खुला है और हम सारे लोग यहाँ वीरेश यादव और उनके वो हैं चचा हैं ताया हैं CP सिंह जेई साहब, उन लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हालात ये हैं कि हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से मीडिया का जो अपना स्टंट है, मीडिया का जो अपने विचार होने चाहिए, उससे मीडिया कहीं दिग्भ्रमित है। सच्चाई हिंदुस्तान की जो है मीडिया अपने पटल पे नहीं रख पा रही। 2014 से लेकर के और आज तक हिंदुस्तान की मीडिया को गुजरातियों ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है और जो सरकार चाहती है मीडिया वो लिखती है। विपक्ष की अगर कोई बात सही भी है तो मीडिया उसको सही पेश नहीं कर पाती। अगर विपक्ष कहीं अपनी सही बात कर रहा है तो उसकी सही बात को नहीं रखा जाता। हालात ये बन गए हैं कि पूरी तरीके से हिंदुस्तान में एक आघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई, आघोषित इमरजेंसी बन गई है कि अपनी बात आदमी सच्चाई नहीं कह सकता। अगर आपने सच्चाई की बात कही तो आपके खिलाफ मुकदमा लगा दिया जाएगा,
आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय आजम खान साहब। आजम खान के खिलाफ कितने मुकदमे सरकार ने लिखे। आजम खान तो एक उदाहरण है। अगर कोई भी नेता अगर सच्चाई बयान करने लगे तो इस सरकार उसके खिलाफ षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच करके और उसको जेल में डालने का काम कर रही है। आज सारी एजेंसियां सरकार के अधीन है। इवन कोर्ट में भी आप देख लीजिए, हमारे न्यायालयों का हाल यह है कि बिना सरकार के न्यायालय भी स्वतंत्र नहीं रहे। तो मैं कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि आज अतरौली में इसका कार्यालय खुला है और हम उम्मीद करते हैं इनके संपादक महोदय से, जिनसे हमारी आज पहली मुलाकात हुई है और ये कह रहे हैं कि मैं सरकार के खिलाफ लिखता हूं, मैं इनसे ये अपील करूंगा कि सरकार के खिलाफ ना लिखें बल्कि वो सच्चाई लिखें, जो सच्चाई है उसको सामने ले आएं। सरकार के खिलाफ लिखना अलग बात है लेकिन सच्चाई को उजागर करना अलग बात है। अगर आपने सच्चाई उजागर कर दी तो ऐसी सरकारें जनक कितनी आई और कितनी हिंदुस्तान से चली गई। तो हिंदुस्तान तो लोकतांत्रिक मुल्क है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इस सबसे बड़े लोकतंत्र का हाल ये हो गया है कि इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया। आज आदमी स्वतंत्र होने के बाद अपनी बात नहीं कर सकता।